वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। आज के इस वीडियो में हम बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार सरकार ने निकाली बम्पर बहाली, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मुहर। साथ ही आपको बताएंगे तेजस्वी ने नीतीश समेत NDA नेताओं को दी चुनौती, पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक, बिहार में DNA जांच की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही हम बिहार के वेदर अपडेट के बारे में रिपोर्ट देंगे, बिहार में दोगुनी होगी लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसों की संख्या, तेज प्रताप का दावा बिहार में गिरने वाली है नीतीश सरकार। साथ ही हम आपको बताएंगे कोरोना का वैक्सीन पहुंचा, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की स्क्रूटनी, कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे कमेटी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग पर विचार करे सरकार और CBSE। साथ ही आपको बड़ी अपडेट देंगे हर घर नल जल योजना के छल करने वाले 373 मुखिया के खिलाफ FIR। और फिर अंत में आपको बताएंगे अब राज्य के अस्पतालों में मिलेंगे जीविका दीदियों के रसोइयों को, तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। तो सबसे पहली खबर, बिहार सरकार ने निकाली बम्पर बहाली, इस विभाग में 3800 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, बिहार सरकार की भूमि सुधारक एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिन लोगों की बहाली होगी उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में उनको हल्की जिम्मेदारी दी जाएगी। नए कर्मचारी तकनीकी रूप में निपुण होंगे। रामसूरत राय ने भूमि सुधार की प्रमंडलीय बैठक में बात का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि अभी विभाग में अवैध संसाधनों की कमी है, जिस वजह से दाखिल खारिज समेत भूमि संबंधी काम की प्रक्रिया काफी धीमी है। इसके साथ ही विभाग में कार्यरत कमी भी पूरी तरह निपुण नहीं है। दूसरी बड़ी खबर, अब राज्य के अस्पतालों में मिलेंगे जीविका दीदियों के रसोई का भोजन। जी हां, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अब जीविका दीदियों की रसोई चलेगी। इस रसोई में पका हुआ घर जैसा स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मरीजों को दिया जाएगा। मंगलवार यानी 12 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कल की बैठक में 14 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता कि इसके अलावा राज्य सरकार ने डीजल चलित ऑटो परिवहन पर रोक लगाने वाली अवधि को बढ़ा दिया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में 31 जनवरी 2021 तथा दानापुर, खगोल और फुलवारी में 31 मार्च से डीजल ऑटो पर रोक लगाए जाने थे, अब यह रोक 30 सितंबर से प्रभावी होगी। पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक, मरा हुआ कौवा मिलने से हड़कंप। जी हां, पटना में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का भी संकट मंडराने लगा है। जल बोर्ड के कैंपस में कल एक कौवा मरा हुआ पाया गया, जिसके बाद बोर्ड के कर्मचारियों ने बर्ड फ्लू के संकेत दिए हैं। मामले की जानकारी पशुपालन विभाग को दे दी गई है। हालांकि अब तक जांच कोई कर्मचारी जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। तेजस्वी ने नीतीश समेत NDA नेताओं को दी चुनौती, राजनीतिक औकात है तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाएं। जी हां, तेजस्वी यादव ने कल सुबह सुबह CM नीतीश कुमार और NDA नेताओं को चुनौती दे डाली। यही नहीं, तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनौती दे डाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार NDA के अनेक दलों, NDA के 40 में से 39 लोकसभा सांसद और 9 राज्यसभा सांसद, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, दो दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। PT के दौरान सेंटर पर हुआ था हंगामा, अब 850 परीक्षार्थी की फिर से परीक्षा लेगा BPSC। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग के 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
आयोग ने औरंगाबाद के बीबीएडी इंडो पब्लिक स्कूल खैराखेरी सेंटर के 850 परीक्षार्थी की परीक्षा दोबारा लेने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी इसके लिए कोई डेट तय नहीं किया गया है। आयोग के इस निर्णय के बाद इस सेंटर पर फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बीते 27 दिसंबर को राज्य भर में बीपीएससी की प्री परीक्षा का आयोजन हुआ था। 27 दिसंबर को प्रदेश में आयोजित किए गए इस परीक्षा में औरंगाबाद का एक सेंटर बीएल इंडो एंगलियन पब्लिक स्कूल रामपुर डोरा तनारा में काफ़ी चर्चा में रहा था। यहां के परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने की बात पर बवाल काटा था। इस दौरान परीक्षा सेंटर पर काफ़ी हंगामा फैल गया था। बिहार में डीएनए जांच की रफ्तार बढ़ेगी, केंद्र की मंजूरी मिली तो राज्य में होगी 5 लैब। जी हां, बिहार में डीएनए जांच की रफ्तार बढ़ेगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए जांच की दूसरी यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अपराध अनुसंधान विभाग ने राज्य सरकार को डीएनए जांच की नई यूनिट लगाने का प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसकी मंजूरी मिल सकती है। बात करते हैं राज्य में वेदर अपडेट को लेकर, तो पछवा ने एक बार फिर बिहार में बढ़ाई ठंड, 3 दिनों में पारा और नीचे लुढ़केगा। जी हां, बिहार में एक बार फिर ठंड बढ़ाने वाली पछवा हवा ने दस्तक दे दी है। पटना और गया में अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछवा बही। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों तक पहुंची पछवा हवा के रुख को देखते हुए मौसमविदों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक पारे में गिरावट के आसार है। बिहार में दोगुनी होगी लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसों की संख्या, दूर होगी यात्रियों की परेशानी। आइए जानते हैं कहां कितनी बसें चलेगी। जी हां, बीएसआरटीसी लॉन्ग रूट में 70 नई बसों का परिचालन करने जा रहा है, जिसमें 62 बसें पटना के बांकीपुर डिपो से अलग अलग जिलों में जाएगी और वहां से आएगी। इससे इस माह के अंत तक लॉन्ग रूट में चलने वाली बीएसआरटीसी की बसों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में बांकीपुर डिपो से 70 बसें हर रोज पटना से अलग अलग जिलों के लिए निकल रही है, जो बढ़कर 132 हो जाएगी। साथ ही पूरे प्रदेश में चलने वाले लॉन्ग रूटों की बसों की संख्या 300 होने वाली है। पीपीडी मोड वाली बसों की संख्या 200 मिला है, यह अगले कुछ दिनों में 500 हो जाएगी। कोरोना का वैक्सीन पहुंचा पटना, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया ऐतिहासिक दिन। जी हां, सीराम का कोरोना वैक्सीन कल पटना पहुंच गया है। रिसीव करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पटना पहुंचे थे। मंगल पांडे ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 12 जनवरी का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस बन गया है, क्योंकि कल बिहार को कोरोना का वैक्सीन मिल गया है। आज हम वैक्सीन को रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट आए हैं। वैक्सीन को यहां से सुरक्षित जहां स्टोर बनाया गया वहां भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना संकट के बीच 16 जनवरी से देश में टीका लगाया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की स्क्रूटनी तिथि जारी। जी हां, केंद्रीय चयन पार्षद की विज्ञापन संख्या 02/2019 की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी तिथि जारी कर दी गई है। केंद्रीय चयन पार्षद के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सफल हो चुकी है। सीबीएसई बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती 2019 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल की स्क्रूटनी पटना स्थित पर्षद कार्यालय में होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी अपने नाम के सामने दी गई तिथि व समय के अनुसार अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों, फोटो आईडी कार्ड, 2 महीने के अंदर खींचे गए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे कमेटी, 10 दिनों के भीतर करे पहली बैठक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लिए बनाई गई कमेटी से कहा है कि वो 10 दिनों के भीतर दिल्ली में अपनी पहली बैठक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गठित कमेटी से पहली बैठक से 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा है। अदालत ने कहा कि नए कृषि कानून के तहत किसी भी किसान को उसकी संपत्ति से बेदखल या वंचित नहीं किया जाएगा। साथ में कोर्ट ने कृषि कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक और बिना किसी अप्रिय घटना के आंदोलन चलाने को लेकर किसानों की सराहना की है। कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने से किसान संगठन अपने सदस्यों को अपनी आजीविका पर लौटने के लिए समझाएंगे।
बड़ी खबर CBSE क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अपडेट है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग पर विचार करे सरकार और CBSE हाईकोर्ट का आदेश। जी हां, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और CBSE को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं देने के लिए छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर जाकर देने की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग पर विचार करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने सरकार और CBSE से इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करने और समुचित निर्णय लेने को कहा है। याचिका में परीक्षा ऑनलाइन या ओपन बुक विधि से कराने की मांग की गई थी। साथ ही सरकार और CBSE को इस मामले में जितना जल्दी हो सके व्यावहारिक निर्णय लेने को कहा गया है। 12वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन ली जाए या खुली किताब विधि से ली जाए। बड़ी खबर, CM नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना से छल करने वाले 373 मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल से छल करने वाले पर कार्रवाई तेज हो गई है। जमीनी स्तर पर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर कई तरह की अनियमितताएं उजागर हुई है। इसमें मुखिया, संवेदक, सुपरवाइजर तथा पंचायत सचिव से लेकर कई अफसर तक बेनकाब हुए हैं। सरकार भी एक्शन में है। अब तक 373 मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि 45 ठेकेदार, 62 सुपरवाइजर, 32 पंचायत सचिव और प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश हुआ है। आपको बता दें कि सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, एक्टर उच्चत उत्कर्ष की मौत की जांच के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को 8 सप्ताह की मोहलत। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर के रहने वाले एक्टर अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध मौत की जांच के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को 8 सप्ताह की मोहलत दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए दूसरी बार मुंबई पुलिस को नोटिस दी है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव VD पाटिल को जांच के लिए अधिकृत किया है। बता दें कि 27 सितंबर 2020 को मुंबई के अंबोली थाना क्षेत्र स्थित अंधेरी वेस्ट के RTO लेन स्थित गोकुल बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 116 में अक्षत की संदिग्ध मौत हो गई थी। उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला था। बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं बकाया बिल। जी हां, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वैसे उपभोक्ता जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और 1 सप्ताह बिल की राशि अधिक हो गई है, उनके लिए यह फैसला राहत भरा होगा। बिजली कंपनी ने किस्त में बिल भुगतान की सुविधा बहाल की है। अब 3 किस्तों में अपनी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए पहले किस्त में बिल की राशि का 35% और बाकी 65% राशि दूसरे तीसरे किस्तों में जमा करनी होगी। हालांकि इसका लाभ बस 31 जनवरी तक ही मिलेगा और उसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनी ने यह भी नियम जारी किया कि वैसे उपभोक्ता जो समय रहते किस्त में भी अपना बिल जमा नहीं करते हैं, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।